जय हिंद दोस्तों। तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो आपके घर में मीटर लगा हुआ है उसका आप रीडिंग कैसे चेक कर पाएंगे और उसका पैरामीटर क्या क्या है। जो डिस्प्ले पे जो आपका पैरामीटर आता है इसका मतलब क्या क्या होता है, तो हम आपको चलिए इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये न्यूट्रल डिस्टर्बेंस इवेंट इंडिकेटर है, जो कि यहाँ पे जो N लिख के और क्रॉस किया हुआ है, जो कि जैसे कि न्यूट्रल कोई डिस्टर्बेंस हो, जैसे न्यूट्रल कोई काट देता है तो यहाँ पे इंडिकेटर आपका शो करेगा। और यहाँ पे देखिए मैग्नेट इवेंट इंडिकेटर है, जैसे कि कोई मैग्नेट से छेड़छाड़ करता है इसमें, तो आपका यहाँ इंडिकेटर शो करेगा। जब तक शो करेगा, जब तक यहाँ से हटा भी दीजिएगा तो यहाँ शो करते रहेगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे सबसे नीचे लिखा हुआ है अर्थिंग लोड सिंगल वायर इवेंट इंडिकेटर। यहाँ पे जैसे अर्थिंग में कोई छेड़छाड़ करिएगा, जैसे बाईपास करने के बाद अर्थिंग कोई जलाता है लोग बाईपास करने के बाद, तो यहाँ पे आपका ये शो करेगा। तो यहाँ पे इंडिकेटर शो करेगा। और यहाँ पे बिलिंग इंडिकेटर है, जो बिलिंग के लिए आपका सिंबल बताता है। और स्टेटस कोड एंड आपका दिया हुआ है, और स्टेटस कोड एंड आइडेंटिफाई फॉर डिस्प्ले पैरामीटर यहाँ पे शो करता है। और यहाँ पे यूनिट फॉर डिस्प्ले पैरामीटर शो करता है, और यहाँ पे मेन पैरामीटर डिस्प्ले है तो यहाँ पे शो करता है। मेन जो पैरामीटर है यहाँ पे आपका यूनिट शो करता है बाया साइड में। तो हम आपको चलिए पूरा एक मीटर को दिखाते हैं और मीटर का पूरा यूनिट दिखाएंगे और इसका कैसे कैसे चेक किया जाता है तो आपको दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए सब पैरामीटर दिखा रहा है। यहाँ पे बिलिंग का ही पैरामीटर है, न्यूट्रल का भी है, अर्थिंग का भी है, और मैग्नेट का सब पैरामीटर दिखा रहा है। और इसके बाद देखिए इंडिकेटर यहाँ शो कर रहा है एक नीचे पल्स वाला, देखिए जो रेड कलर में जो जल रहा है ये पल्स इंडिकेटर है। यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर शो कर रहा है, जो लाइट का 6 डिजिट है उसका यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ शुरू का जो 6-4 अंक का जो डिजिट है वो शो कर रहा है, SS16, जैसे कि ये मीटर के सीरियल नंबर पर लिखा हुआ है SS16, वो यहाँ पर शो कर रहा है। और इसके बाद देखिए टाइम शो कर रहा है, यहाँ पे जो आपका जो टाइम चल रहा है वो टाइम शो कर रहा है। और यहाँ पे देखिए न्यूट्रल का पैरामीटर शो कर रहा है, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए जैसे कि कोई छेड़छाड़ करता है तो इसमें आपका न्यूट्रल में दिखाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ आपका डेट जो है वो शो कर रहा है, जिस डेट में आपका जो चल रहा है उस डेट का आपका ये आपका शो कर रहा है। ये देखिए बिलिंग H1 मतलब होता है कि पिछला मंथ का आपका ये यूनिट जो होता है बिल जनरेट हुआ है पिछला मंथ के 31 तारीख तक का ये आपका ये है। और ये पावर फैक्टर भी पिछला मंथ का ही पावर फैक्टर है। और यहाँ आगे दिखाएंगे इसका, जैसे कि आपको ये बिल IRU जो लिखा हुआ है पिछला मंथ का ये टोटल लोड है, ये आपका 1.5 किलोवाट का लोड पिछला मंथ का ये लोड था जो शो करा है। ये देखिए पिछला मंथ का KWAH जो LTS में जो यूज होता है, ये आपके लिए नहीं है, जैसे LTS में उसको काउंट किया KWAH होता है, ये आप ये इसमें नहीं जोड़ कर आता है। ये देखिए कितना घंटा चला हुआ है पिछला मंथ में वो आपका शो कर रहा है, अभी तक कितना घंटा चला हुआ है 1300। और यहाँ पर देखिए वोल्टेज दिखा रहा है, जो लाइन वोल्टेज होता है वो आपका दिखा रहा है कि आपका 226 वोल्ट चल रहा है, अभी जो वोल्टेज है 225-26 ऐसे चल रहा है। यहाँ पे देखिए फेज एम्पियर दिखा रहा है, जो एम्पियर आपका लोड है इसके अनुसार आपका एक फेज में कितना एम्पियर का लोड है ये दिखा रहा है दोस्तों। और ये देखिए पल्स भी चल रहा है, और यहाँ न्यूट्रल का भी एम्पियर दिखा रहा है, जो न्यूट्रल में जितना एम्पियर है तो यहाँ पर आपका शो कर रहा है, एक न्यूट्रल और एक फेज में दोनों का होना चाहिए, तो यहाँ न्यूट्रल में दिखा रहा है। ये देखिए KWH मतलब आपका मेन यूनिट इस महीना का जितना यूनिट है यही यूनिट है आपका KWH 684 आपका ये आपका यूनिट है। और KVAH होता है आपका ये होता है LTS के लिए यूज होता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल के लिए ये आपका यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये TCU है, मतलब होता है टेम्पर कम्युलेटिव जो होता है, OT गुड दिखा रहा है, यहाँ पे कोई टेम्पर नहीं है, यहाँ पे गुड दिखा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए COT होता है आपका, यहाँ पे जो टेम्पर PT जो है L है यहाँ पे। और इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाएगा आपका जो लोड अभी करंट लोड चल रहा है 0.71 है आपका, 0.71 मतलब
किलोवाट से कम। यहाँ देखिए दोस्तों, आपका टेम्पर के लिए एक लिस्ट दे दिए हैं यहाँ पे, जो डिस्प्ले पे शो कर रहा है। कोई भी इसमें टेम्पर आई आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका टेम्पर का मतलब क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू।